लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मारूफ फैशन डिजाइनर मारिया बी का दावा करते हुए कहना है कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री में मौजूद 80% आदमी हमजिंस परस्त हैं। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान मेजबान ने मारिया बी से सवाल किया कि वो गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के मामले पर ज्यादा बात क्यों कर रही हैं, जिस पर हमजिंस परस्त अफराद के बारे में खुलकर बात करते हुए मारिया बी का कहना था कि मुझे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर ये कहना शुरू किया कि हमारे मजहब में तो सब जैसे रुझानात जायज़ हैं। ये सब सुनकर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए मैंने हम जन्स परस्ती के खिलाफ बात करना शुरू की। उनका कहना था कि फैशन इंडस्ट्री में शुरुआत से ही ऐसे लोग मौजूद थे, पहले ये अफराद अपने घरों तक महदूद थे, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैला रही हैं कि इस्लाम में हम जन्स परस्ती जायज़ है, इसी वजह से इस मामले पर बात करना ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तकरीबन 27 बार कौम लूत का जिक्र किया है और हमारे यहाँ लोग हमजिंस परस्ती के मामले को छोटा और गैर अहम समझते हैं। वाज़ेह रहे कि LGBTQ ऐसे मतनाज़ा जिनसी रुझानात के मालिक अफराद को कहा जाता है, जो पैदा तो मर्द या खातून के तौर पर होते हैं, लेकिन बाद हज़ां हारमोन्स की तब्दीलियों, दूसरी पेचीदगियों या दिमागी अख्तरा और जिनसी रुझानात की वजह से अपनी जिन्स तब्दील करवाते हैं। LGBTQ अफराद को दुनिया भर में मतनाज़ा समझा जाता है और इस पर दुनिया भर में शदीद बहस होती रहती है।